बुडापेस्ट में वॉकिंग टूर करने के बाद हमें नाइट क्रूज डिनर करने का मौका मिला, जो कि नहायत ही फैसिनेटिंग था। तकरीबन 2 घंटे का डिनर था जो क्रूज के ऊपर था। डिनर क्रूज करने के लिए जब सबसे पहले हम लोग करने के लिए गए तो डेफिनेटली उधर आपको सर्व कर रहे थे वाइन, लेकिन मैंने ट्राई नहीं की। बुफे डिनर था। बुफे डिनर के अंदर पहले हमारे टूर गाइड ने पूछा था कि आपको फिश लेनी है या आपको क्या कहते हैं पोर्क चाहिए, आपको चिकन चाहिए या मटन चाहिए, उसके अलावा वेजिटेरियन की चॉइस थी। तो मेरे पास फिश मैंने ट्राई की, सालमन फिश। क्रूज में रोटी खुल गई है और सब लोग इसको पढ़ गए हैं, आप देखिए। मैं अभी ज़रा कुछ मिनट के अंदर जाता हूँ, थोड़ा सा रश कम हो जाए, तो रश थोड़ा सा कम होगा तो फिर देखते हैं। तकरीबन आधा घंटा हम लोगों ने अपना डिनर किया और डिनर करने के बाद मैं फ्रेश एयर में ऊपर चला गया छत के ऊपर और उधर जाके मैंने बुडापेस्ट की ब्यूटी को एंजॉय किया। जी डिनर हो गया है, अब मैं डिनर करके ऊपर आ गया हूँ वो जो बोट है उसके ऊपर, और ये है जो नज़ारा। ये मेरे बैकग्राउंड में हंगरी की पार्लियामेंट है और मैं इस वक्त बोट क्रूज कर रहा हूँ। डिनर मैंने को बहुत ज़्यादा नहीं किया और अभी को बहुत ज़्यादा लोग ऊपर भी नहीं आए, अभी लोग आएंगे ऊपर कुछ देर के बाद, रश हो जाएगा। डिनर क्रूज किया मैंने, लेकिन डिनर में मैं कुछ बहुत ज़्यादा खा नहीं सका क्योंकि वो मेरे मतलब का खाना नहीं था। कि मैं फिर अपना ऊपर चला गया ठंडी हवा खाने के लिए, तो अब मैं बाहर जाता हूँ और थोड़ा फूड सर्च करता हूँ। चूँकि बुडापेस्ट के ऊपर जो है ना तकरीबन जैसे कि 1.5 साल के करीब जो है ना टर्किश लोगों ने हुकूमत की है, आई एम श्योर कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना हलाल फूड ईजीली अवेलेबल होगा। मैंने गूगल पे सर्च किया तो तकरीबन 100 मीटर के फासले पे दिखा रहा है, विच इज़ वेरी अमेजिंग। वैसे तो हमारा होटल सिटी के सेंटर में है और मेरा ख्याल है कि इजीली फूड मुझे मिल जाएगा। तो इस वक्त मैं अपने डिनर की तलाश में निकल रहा हूँ
ये मेरे होटल के बिल्कुल बाहर निकल के ये व्यू है, आप देखें बैकग्राउंड के ऊपर। बेसिकली मौसम ठंडा है, टेम्परेचर 16 के करीब है, 16 टेम्परेचर है इस वक्त, रात के तकरीबन 11 बज गए, रात के 11 बजे टेम्परेचर 16। अगर मैं इस वक्त दरियाद में होता तो तकरीबन 30 प्लस टेम्परेचर होता है, तो कंपैरेटिवली मेरे लिए तो एक अच्छा टेम्परेचर है। तो अब हलाल फूड की तलाश में सर्च करते हैं कि हमें हलाल फूड कहाँ पे मिलेगा, मैं ऐप खोल के देखता हूँ। हलाल फूड सर्च करने के बाद तकरीबन 8 मिनट के फासले के ऊपर जो है ना मुझे हलाल फूड का एक अरफात रेस्टोरेंट करके मिल गया। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इस वक्त अपने ग्रुप के साथ आया हूँ एक्सपैट, जिसका नाम है एक्सपैट एक्सप्लोर। एक्सपैट एक्सप्लोर एक ब्रिटिश कंपनी है जिसका मेन ऑफिस यूके में है, और यूके से बेसिकली हमारा टूर स्टार्ट हुआ था लंदन से। लंदन से हमारा 14 दिन का टूर था, 14 दिन में इसने हमें 10 कंट्रीज़ की विज़िट करवाने थे। चूँकि रात के 11 बज चुके हैं, वैसे ज़्यादातर लोग ना दुकानें बंद हैं और लोग सो गए हैं, लेकिन कुछ लोग गुजर रहे हैं। तमाम यूरोप की तरह अगर आपका सिग्नल बंद है तो आपको देख के क्रॉस करना, आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से ही रोड क्रॉस करनी है। अब किबाब रेस्टोरेंट पे मैं आ गया हूँ। किबाब रेस्टोरेंट के ऊपर मैंने उसको एक तो मीडियम शॉर्मा का ऑर्डर दिया था। अच्छा शॉर्मा टेस्टी है, ये शॉर्मा जर्मनी के शॉर्मा भी कर रही है, जर्मनी में खाया था, हमें से खाया नहीं था क्या। तुर्किश रेस्टोरेंट से डिनर करने के बाद अब मैं वापस आ रहा हूँ अपने होटल की तरफ। होटल में जाके अब रेस्ट करेंगे और कल सुबह जो है ना हम लोग इंशाल्लाह वियना जाएंगे।